श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण नवम स्कंद अथ त्रयोविंशो अध्याय। अनु द्रयु तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री शुकवाच अनो सभानश्चक्षु परोक्षश्च त्रयसुता सभानरान काल नर संजयस्तस्सुतस्तस्तः जन्मेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामना। उशी नरस्ति तिक्षुश्च महामनस आत्मजो शिविर्वन शर शमीर दक्षश्च चत्वारोशी नरात्मजः वृषादर्भ सुवीरश्च मद्रकैकेय आत्मजः शिवेश्चत्वारेवांसंस्तिक्षोश्च रुषद्रथः ततो हेमोथ सुतपावली सुतपसो भवत। अंग वंग कलिंगाध्या सुम्ह पुंड्रांध्र संगीता जगिरे दीर्घ तमसो बले क्षेत्रे महीक्षितः चक्रु स्वनामना विषयान षडीमान प्रांचिकाश्च ते खन पानोंगतो जग्ये तस्माद् दिवीरथस्ततः सुतो धर्मरथो यस्य जग्ये चित्ररथो प्रजा रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखः। शांतां स्वकन्यां प्रायच्छ दृश्यश्रृंग उवाहतां देवे वर्षतीयं द्रामा आनिन्योर्हरिणीसुतं नाट्यसंगीतवादित्रे विभ्रमालिंगनार्हणे सतुराग्यो नपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः प्रजामदाद दशरथो येन लेवे प्रजा प्रजा चतुरंगो रोमपादात् प्रथूलाक्षस्तु तत्सुतः बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुता आध्याद ब्रह्मणास्तस्मा जयद्रथ उदारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ययाति नंदन अनु के तीन पुत्र हुए सभानर चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के दो पुत्र हुए उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के चार पुत्र थे शिबि वन शमी और दक्ष। शिबि के चार पुत्र हुए वृषादर्भ सुवीर मद्र और कैकेय। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने छह पुत्र उत्पन्न करे अंग वंग कलिंग सुम्म पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में छह देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यश्रृंग मुनि से हुआ, अर्थात शांता जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की बहन हुई। ऋष्यश्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य संगीत वाद्य हाव भाव आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यश्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई, उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से चार पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का प्रथुलाक्ष।
पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु तीन पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। विजयस्तस्य सम्भूत्याम ततो धृतिरजायत, ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरतस्ततः। येऽसौ गंगाटटे क्रीडनमञ्जुषान्तर्गत शिशुं कुन्त्यापविन्ध्यं कानीनमनपत्योकरोतु सुतं। वृषस्येन सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपते, दुह्योश्च तनयो बभ्रू सेतुस्तस्यात्मजस्ततः। आरब्धस्तस्य गांधारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः, धृतस्य दुर्मनास्तास्मात् प्रचेता प्राचेत संशतम्। म्लेच्छाधिपतयो भुवन्नुदीचिं दिशमाश्रितः, तुर्वसोश्च सुतो वह्निर्वह्नेर्भर्गोऽथ भानुमान्। त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धमौदारधि, मरुतस्तत्सुतो पुत्रं पुत्रं पौरन्वमन्भूत। दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः, ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशं नरर्षभ। वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां, यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति, यदो सहस्रिजित्क्रोष्टा नलो रिपूरिति श्रुतः। चत्वारः सूनवस्त्रस्य सूनवस्तत्र शतजित प्रथमात्मजः, महाहयो वेणुहयो हयश्चेति तत्सुतः। धर्मस्तु हयस्सुतो नेत्रः कुन्ते पिता तत। सोऽहञ्जिरभवत कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनकः, दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसु, कृताग्नि कृतवर्मा च कृतोजा धनकात्मजः। जयद्रथ की पत्नी का नाम था सम्भूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतरथ, धृतरथ का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्ना सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुयु से बभ्रू का जन्म हुआ। बभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वन्ही, वन्ही का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से अवरूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणु है और हय। हय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। अर्जुन कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवत, दत्तात्रेयाधरेशारेरंशात् प्राप्तयोग महागुण। ननूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवः,
यज्ञ दान तपो योग श्रुत वीर्य जयादि पंचाशीति सहस्राणी यव्याहत बल समा अनष्ट वित्त स्मरणो बभुजे छय्य सड़वसु तस्य पुत्र सहस्रेशु पंचो वोर्वृता मृधे जयध्वज शूरसेनो वृषभो मरुरूर्जित जयध्वजात तालजंगस्तस्य पुत्र शतम भक्त्वभूत छत्रम यत तालजंगाख्य मौर्वतेजोपसंग्रतम तेष्ठां ज्येष्ठो वीति होत्रो वृष्णी पुत्रो मधो स्मृत तस्य पुत्र शतम त्वासीद वृष्णी ज्येष्ठम यत कुलम माधवा वृष्णयो राजन यादवाश्चेति संगीतः यदु पुत्रस्य च क्रोष्टो पुत्रो व्रजिनवांस्ततः स्वाहिस्ततो रुषेर्कुर्वे तस्य चित्ररथस्ततः शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महन महानभूत् चतुर्दश महारत्नश्चक्रवर्त्य पराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशः। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था, वह सातों द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ दान तपस्या योग शास्त्र ज्ञान पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका प्रभाव ऐसा था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में ही भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए, वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और वकी शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णी। परीक्षित, इन्हीं मधु वृष्णी और यदु के कारण यह वंश माधव वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था व्रजिनवान। व्रजिनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का रुषेकु, रुषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी महान भोगेश्वरी संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्न क्या है ये भी यहाँ जान लेते हैं। हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। 10,00,000 पुत्राणाम तास्वजी जनत तेषां तु पट प्रधानानां प्रथु स्रवस आत्मज धर्मो नामोशनातस्य हयमेध शतस्य याट तत्सुतो रूचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजासुनो पुरुजी द्रुक मरुक्मेषु प्रथुजा ज्यामघ संगीता ज्यामघत् स्व प्रजोपन्याम भार्याम शैव्यापतिर्भयात नाविंद छत्रु भवनाद भोज्याम कन्या महारशीत रथस्थाम ताम निरीक्षाह शैव्यापतिमर्षिता केयम कुहकमस्थानम रथमारोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयंती पतिमब्रवीत अहम विंध्यास पत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथम जनयिष्यसि यमराज्ञी तस्से
यम उपयुज्यते अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवा पितर एव च शैव्याधर गर्भमधात काले कुमारम सुषुवे शुभम स विदर्भ इति प्रोक्त उपये मे स्नुषाम सती। उनमें प्रथुस्रवा आदि छह पुत्र प्रधान थे। प्रथुस्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो, पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, प्रथु और ज्यामक। ज्यामक की पत्नी का नाम था शैव्या। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रुओं के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? ज्यामक ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधु है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौध भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधु कैसे हो सकती है? ज्यामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामक के इस वचन का विश्वेदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैव्या का गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी शैव्या की साध्वी पुत्रवधु भोज्या से उसी ने शैव्या की साध्वी पुत्रवधु भोज्या से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमी स्कंदे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।